तुम एक्सपेक्ट करते हो फैमिली ब्लॉगिंग कंटेंट सेफ लाइट हार्टेड एंड फैमिली फ्रेंडली होना चाहिए। इंडियन फैमिली चैनल्स आर एक्चुअली गोल्ड। उनके पास प्यारे बच्चे हैं, परफेक्ट होम्स हैं। वेल, रियलिटी कुछ और ही है। उनका जो कंटेंट होता है उसमें ड्रामा एंड कंट्रोवर्सी होती है। पेरेंटिंग टेक्निक्स जो फैमिली ब्लॉगर्स यूज करते हैं, काफी लोगों का ये कहना है कि फैमिली चैनल्स जो किड्स पे फोकस होते हैं, दोस किड्स आर वल्नरेबल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेंजर्स। बट कुछ पेरेंट्स इस चीज को डिनाई करेंगे, आई गेस बिकॉज ऑफ मनी। नाउ वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि फैमिली व्लॉगिंग कंटेंट बच्चों को कैसे हार्म कर सकता है एंड उनका फ्यूचर कैसे अफेक्ट कर सकता है। बिकॉज जो भी तुम इंटरनेट पे पोस्ट करते हो वो हमेशा इंटरनेट पर ही रहने वाला है। डेली व्लॉगिंग करने से फैमिली पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज उनकी पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ में कोई सेपरेशन ही नहीं होता। लाइक फैमिली एंड वर्क आर वन एंड द सेम थिंग। तुम्हें कैसे लगेगा कि तुम अपने बॉस के साथ रह रहे हो या फिर अपनी मॉम के साथ काम कर रहे हो। एंड काफी फैमिली व्लॉगर्स तो इतने रियल व्लॉगिंग करते हैं कि बच्चा अगर डिस्ट्रेस में है तो उसे भी व्लॉग में इंक्लूड करना होता है। एंड काफी व्लॉगर्स तो ट्रेजेडी के ऊपर भी पैसा कमाते हैं। फैमिली व्लॉगिंग इज नॉट रियल लाइफ। ये बस रियल हाइलाइट्स हैं जो एक कैलकुलेटेड बिजनेस मूव्स के तहत चल रही हैं। हर चीज व्लॉग्स में परफेक्ट एंड पॉलिश नहीं होती। दैट्स द मेन आइडिया। सेकंड थिंग इज, इन बच्चों को व्लॉगिंग के लिए कभी भी साइन अप नहीं किया गया। उनसे पूरी लाइफ में कैमरा पे आने से पहले कोई कंसेंट नहीं लिया गया। इमेजिन वो बड़े होने के बाद अपने फ्रेंड से ये कहें कि तुमने मेरी फैमिली व्लॉग्स देखे होंगे जब मैं छोटी थी, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उस चीज का पार्ट कभी बनना ही नहीं चाहती थी, मुझे स्कूल में इसलिए चिढ़ाया जा रहा है बिकॉज मेरे मॉम एंड डैड को ये आइडिया आया कि मेरी लाइफ को उनके व्लॉग्स में इंक्लूड करना चाहिए फ्रॉम द टाइम दे गेव बर्थ टू मी। सो मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप लोगों को रीड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पढ़ सकते हैं। नाउ रिसर्चर्स ने उसमें ये लिखा हुआ था कि लोगों का फोटोज एंड वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मेन रीजन है इनसिक्योरिटी। इजंट इट शॉकिंग? मतलब जब लोग अपने अच्छे मोमेंट सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं उनकी सेल्फ एस्टीम में इंक्रीज आता है बट सेल्फ कंट्रोल में ड्रास्टिक डिक्रीज। नाउ इस काइंड ऑफ ट्रैप में कोई भी फंस सकता है। ये सब तब तक ठीक रहता है जब तक तुम ये पोस्ट कर रहे हो कि तुम क्या खा रहे हो या फिर कितना हार्ड वर्कआउट कर रहे हो। बट जब तुम्हारा कंटेंट तुम्हारे बच्चों के अराउंड होता है चीजें एक दूसरा टर्न ले सकती हैं। सो इसे समझाने के लिए लेट मी स्टार्ट माय स्टोरी टाइम मोड। तो कुछ साल पहले मैं फेसबुक ब्राउज कर रहा था एंड मेरे सामने एक स्कूलमेट की फोटो आई जिसको एक बेबी बॉय हुआ था एंड उसने अपने बेबी की फोटो कम्प्लीटली नेकेड पोस्ट कर रखी थी FB पे एंड उसके कैप्शन में ये लिखा हुआ था कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एवरीवन हैज अ प्रॉब्लम विद माय चाइल्ड, आई डोंट केयर हाउ मेनी टाइम्स यू आर रिपोर्टिंग दिस पिक्चर, आई विल कंटिन्यू टू रीपोस्ट इट बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माय चाइल्ड एंड यू कैनॉट टेक दैट अवे फ्रॉम मी। मैंने कमेंट करके बोला, वुमन लुक, लोग तुम्हारी पिक्चर को इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं सो दैट वो तुम्हारे बेबी की फोटो को क्रीप से बचा सकें बिकॉज तुम्हारे डिल्यूजन एंड चेस फॉर वैलिडेशन के चक्कर में तुम किसी को एंडेंजर कर रहे हो जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। लुक, इस ओवर शेयरिंग के वर्ल्ड में कुछ मदर्स लाइक्स एंड एंगेजमेंट के चक्कर में अपने एंडोर्फिन्स इंक्रीज कर रही हैं जो बिल्कुल इनकम्पैटिबल है उस जिम्मेदारी के जिससे तुम अपने बच्चे को हार्म से बचा सकते हो। नाउ इन माय ओपिनियन हम लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते एंड नॉट जस्ट पेरेंट्स स्लैश ओल्डर पीपल, उन्हें इतना आइडिया नहीं होता कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। बट ऑफन टाइम्स वो लोग इतना अवेयर नहीं होते कि अपने बच्चे की प्राइवेट फोटोज को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना कितना डेंजरस हो सकता है एंड एट दैट टाइम जब बच्चा इतना यंग है कि वो अपना खुद का कंसेंट भी नहीं दे सकता। एंड मैं ये अभी सिर्फ फेसबुक फ्रेंड्स को पोस्ट करने तक की हद बता रहा हूँ बट इमेजिन इस चीज का डायनामिक्स कितना ऑकवर्ड हो सकता है जब तुम अपने बच्चे की प्राइवेट लाइफ को पब्लिकली ऑनलाइन दिखा रहे हो एंड उससे प्रॉफिट कमा रहे हो। गाइज ये कोई हेट वीडियो नहीं है बट फैमिली व्लॉग्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने चिल्ड्रंस को मनी के लिए। यार तुम पेरेंट हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैड डिसीजंस नहीं ले सकते। ये जो जॉनरा अभी इंडिया में फैमिली व्लॉगिंग का स्टार्ट हुआ है ना, इसमें कुछ फर्स्ट जनरेशन किड्स हैं जो अपनी एंटायर लाइफ व्लॉग्स में देखने वाले हैं। एंड डू यू हैव एनी आइडिया कि इन डेली व्लॉग्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बच्चों पर क्या हो सकता है? नाउ एट दिस पॉइंट इन फैमिली व्लॉगिंग चैनल्स के हार्डकोर फैन आके बोलेंगे कि किड्स तो खुद इन व्लॉग्स का पार्ट बनना चाहते हैं। एंड अगर किड्स को व्लॉगिंग करने में मजे आ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, राइट? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज क्लियर कर लेनी चाहिए। बच्चों को जो पसंद है और व्हाट दे थिंक दे लाइक वो एक इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होती है उस दिमाग की वजह से जो अभी तक फुल्ली डेवलप भी नहीं हुआ है। इसलिए लीगली पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों की लाइफ में मेजर डिसीजन लेने के लिए टिल द टाइम वो 18 साल के नहीं हो जाते। दैट्स वाई बच्चों के लिए क्या राइट है उसके लिए सिर्फ पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट जब पेरेंट्स को बच्चों में पर्पस एंड प्रॉफिट दिखने लगता है, आई मीन व्हाट्स राइट फॉर द किड्स,
वो चेंज हो जाता है टूवर्ड्स राइट फॉर द बिजनेस, एंड तब वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। गाइस, फैमिली व्लॉगर्स खुद को जज करने का मौका दे रहे हैं, वो भी उन्हें जो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं, कि तुम अपने बच्चों को कैसे बड़ा कर रहे हो। उनकी फैमिली का हर एस्पेक्ट इज अंडर माइक्रोस्कोप। अगर तुम उसे फिल्म कर रहे हो तो उन्हें जज करने का भी मौका दे रहे हो। एंड फैमिली व्लॉगिंग इज़ लाइक वर्क फ्रॉम होम विद इन देयर फैमिलीज, बट आयरॉनिक सिचुएशन ये है कि तुम्हें पता होता है कि एवरी मोमेंट इज़ वर्क एंड तुम्हें हमेशा एक कैमरा चाहिए होता है टू फिल्म समथिंग। Now comes the threat of exposing your kids to predators because vloggers अपने बच्चों की swimming videos post करते हैं and वो assume करके बैठे हैं कि ये सब तो normal लोग ही देख रहे होंगे, हालांकि इसमें pedophiles भी हैं and YouTube analytics तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि कितना percentage लोग creeps हैं and कितना अच्छे लोग हैं। I don't understand vloggers इतने naive कैसे हो सकते हैं। Now I can see जैसे साल निकलते जाएंगे, बच्चे बड़े होकर teenagers बन जाएंगे, तब उन्हें इस messed up dynamics के बारे में realize होगा कि उन्हें entertainment के लिए use किया जा रहा है। Apart from this, इन family vloggers ने अपने बच्चों के Instagram accounts बना रखे हैं। What if बच्चा बड़ा होकर बोले कि मुझे कभी famous ही नहीं होना था। इन accounts पर millions of followers हैं, लोग इन बच्चों की moves पर नजर रखे हुए हैं। गाइज, ये टॉडलर्स एक कंप्लीट सेंटेंस ढंग से नहीं बोल सकते एंड इन्हें सोशल मीडिया अटेंशन अननेसेसरी मिले जा रही है। नाउ लेट मी कंक्लूड। जब बच्चे बिजनेस बन जाते हैं, पेरेंट का प्रीडोमिनेंट रोल जो एक गार्डियन का होता है वो नहीं रहता, बिकॉज चाइल्ड अब पेरेंट्स के लिए एक एसेट बन चुका है। नाउ वीडियो की स्टार्टिंग वाली स्टडी पे आते हैं, जब सेल्फ एस्टीम में इंक्रीज आता है एंड सेल्फ कंट्रोल में डिक्रीज, एंड ये पूरी चीज ऑफ बैलेंस हो जाती है जब इक्वेशन में ज्यादा मनी आने लगता है। बट क्या फैमिली व्लॉगिंग चैनल्स एक बैलेंस डायनामिक्स मेंटेन कर रहे हैं? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज जब उन्होंने फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो एक गुड इंटेंशन से ही स्टार्ट किया था। बट प्रॉब्लम तब आती है जब टाइम जाने के साथ चैनल पे ज्यादा पैसा आने लगता है एंड पेरेंट्स के मॉरल्स डाउन होने लगते हैं, जो इस पूरे फैमिली व्लॉगिंग जॉनरा को डेंजर में डाल देता है। दैट्स व्हाई इन माय ओपिनियन YouTube पर स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस होने चाहिए उस कंटेंट के लिए जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। इसमें वेदर माँ अपने बच्चे की प्राइवेसी इन्वेड कर रही है फॉर डजंस ऑफ लाइक ऑन सोशल मीडिया, या फिर किसी फैमिली ट्रेजेडी को मोनेटाइज किया जा रहा है, या फिर बच्चा डिस्कम्फर्ट दिखने के बावजूद भी जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर कैमरा घुसाया जा रहा है। इन सब चीजों से क्या दिखता है? पेरेंटिंग को सेल्फ सर्विंग इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्लेस कर रही है। एंड फाइनली अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर यू, अगर इन पेरेंट्स के बच्चे बड़े होने के बाद ये कहें कि मैं आपके व्लॉग्स में अब नहीं दिखना चाहती, तो क्या ये पेरेंट्स व्लॉगिंग बंद कर देंगे? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना। एंड अगर तुम लोगों ने अभी तक सौरभ जोशी व्लॉग्स का एनालिसिस नहीं देखा है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और कोड मिको का देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।